हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, मैंने लगभग 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि बिहार में जो है दोस्तों परमानेंटली अंकेक्षक यानी जो ऑडिटर है उसकी बहाली होने वाली है और लगभग 2000 पोस्ट है इसमें। और इसमें अभी और इसमें कुछ नहीं बताया गया था, सिर्फ बताया था कि इसका पहली बार संवर्ग बन रहा है और ये वैकेंसी जल्दी आने वाली है। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया था तो ये वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, दिखा रहा हूँ आपको। और जो कमेंट आए थे, सिर्फ कमेंट यही था, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका सैलरी क्या होगा, कब तक वैकेंसी आएगा, ये ग्रुप कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आज इसी ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को सबको जानने के लिए लास्ट तक देखिए, और वीडियो में मैं क्या क्या आज कवर करूँगा बता रहा हूँ आपको। देखिए, वीडियो में बताऊँगा आपको कि ये जो वैकेंसी आने वाली है अंकेक्षक की, जिसका 2000 पोस्ट है, उसका ग्रुप क्या होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी कितना होगा, एग्जाम होगा या मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, मैं ये 5 टॉपिक को कवर करूंगा। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर दबाइए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि जो बहाली आने वाली है 2000 अंकेक्षक की, ये बिल्कुल अस्थायी है और 8386 पंचायत में होने वाली है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप। दोस्तों, ये ग्रुप सी में होगा, जो कैटेगरी है वो ग्रुप सी का होगा। और इसका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होगा आपका बीकॉम होना चाहिए। अगर एमकॉम है तो उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन बीकॉम क्या है, कंपलसरी है, आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये इसका क्वालिफिकेशन है। और सैलरी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, मैंने इस पर बहुत नेट पर सर्च किया, और बहुत सारा सर्च किया करने के बाद मैं देखिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो सैलरी है वो होता है 5200 से 20200, और ग्रेड पे होता है 2800। ये जो भी है आपका गवर्नमेंट का, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। मैंने बहुत सारा साइट पर जाकर देखा तो उसका जो है पे स्केल यही है, 5200 से लेकर 20200, और ग्रेड पे 2800 है। ये ग्रुप सी में जो मैंने पहले बताया ये होता है। तो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जाम होगा या मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जैसा कि बिहार में जनरली मार्क्स बेसिस पे होता है। तो मैं फ्रेंड बता दूं, इसमें दोस्तों एग्जाम होगा। एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ साफ लिखा है अस्थायी नियुक्ति, और अस्थायी नियुक्ति में दोस्तों एग्जाम होता है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है, अभी जो बहाली चल रही है टेक्निकल असिस्टेंट और आईटी असिस्टेंट की, उसके बाद ही इसका प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि ये सब कुछ दोस्तों अभी कैबिनेट में मंजूरी ले ली गई है। देखिए दिखा रहा है, सामान्य प्रशासन से स्वीकृति मिलते ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी, यानी अभी ली नहीं गई है, ये बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। तो 2019 का जो जनवरी है उसमें उम्मीद है कि ये आपका आ सकता है बहाली नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये था वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने टॉपिक कवर किया, कि ग्रुप क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, और नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।